हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। क्वार्टर रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बार डजंट गिव अ राइट पिक्चर, राइट। काफ़ी बार उनको हम जब क्वार्टर रिजल्ट्स को देखते हैं, स्पेशली क्यू ऑन क्यू, वाई ऑन वाई, एक टिपिकल इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अंडरलाइंग जो मैसेजेस होते हैं उसमें हमें समझने चाहिए कि इतना अच्छा ग्रोथ या इतना बुरा ग्रोथ क्यों हुआ, राइट। तो दे डोंट गिव अ कंप्लीट पिक्चर अबाउट हाउ द कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड, ठीक है। और हम कई बार उसमें ये स्वे हो जाते हैं कि नहीं यार बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुआ या बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हुआ, ऐसा नहीं होता है काफ़ी बार। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू चेक कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो इस बार क्या हुआ था, जब वरुण बेवरेज का रिजल्ट आया था, ठीक है, तो मैंने जब उसको चेक किया तो आई वॉज वेरी सरप्राइज विद, फर्स्ट लुक वॉज कि वाओ व्हाट अ रिजल्ट इट इज़, राइट। तो अगर आप यहाँ पर भी मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे तो यू कैन सी, राइट, कि क्यू ऑन क्यू जून 2022 का क्यू ऑन क्यू में 75% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है रेवेन्यू में, एंड 102% का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर का ग्रोथ है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्रॉफिट वाइज भी देखें, राइट, तो ये है हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो भी 194% क्यू ऑन क्यू एंड 153% ईयर ऑन ईयर। और हम पूरा अगर चार्ट देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स का, लाइक लास्ट ऑलमोस्ट 12 से 15 रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, तो हमें सबसे अच्छा रिजल्ट दिखता है, राइट। 787 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है, और 5000 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है वरुण बेवरेज ने इन जून क्वार्टर, ठीक है। तो क्या एक्चुअल में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा कंपनी का, क्यों, किस वजह से कंपनी की इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, राइट। क्या कंपनी की ये ग्रोथ आगे भी चल सकती है क्या, ये सब क्वेश्चंस अचानक से हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कंपनी बुरी है अच्छी है, हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे हैं इस स्टॉक वीडियो में कि जो जब रिजल्ट आता है तो उसको आपको लेयर में समझना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजंस हैं कि एक्चुअल में इट वाज अ प्रॉपर ऑर्गेनिक ग्रोथ, कि एक्चुअल में कंपनी ने बहुत अच्छा कुछ किया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया पहले और उसका अब रिजल्ट मिल रहा है और आगे ऐसे ही चलेगा क्या, तो एक वो हो गया, या ये एक जस्ट फ्लैश इन द पैन टाइप है कि नहीं यही क्वार्टर बहुत अच्छा रहा और आगे ऐसा नहीं होगा। तो इस केस में ये यही क्वार्टर की बात है और उसके रीजंस मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक तो पहली बात है, वरुण बेवरेज कंपनी काम करती है, वो पेप्सी की सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट। तो कोल्ड ड्रिंक्स जो है पेप्सी के, जो जितने भी ड्रिंक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, उससे पैसे कमाते हैं मेजरली। तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा पैसा जो मिलता है उनको, सबसे ज़्यादा जो बिकाई बेचा जाता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो सिर्फ जून क्वार्टर में, क्योंकि गर्मी इंडिया में सबसे ज़्यादा कब पड़ती है, अप्रैल मई जून, राइट। इन तीन महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इन तीन क्वार्टर में इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। अगर हम प्री कोविड चले जाएँ, ठीक, कोविड क्या हुआ ना, दो जून के क्वार्टर कोविड ने ख़राब किए, हमारा वेव वन जो है वो भी जून क्वार्टर में आई थी और वेव टू भी जून क्वार्टर में आई थी, वेव टू, वेव वन हमारी 2021 के जून क्वार्टर में आई थी एंड वेव टू जो है वो FY22 के जून क्वार्टर में आई, ठीक है। तो अब ये पहला, तीन साल में ये पहला जून क्वार्टर आया था जो विदाउट कोविड आया, ठीक है। तो इसीलिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इतना अच्छा हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर जून क्वार्टर में तो वेव टू आई हुई थी, विच वॉज अ वेरी वेरी बैड वेव, ठीक है, और उसकी वजह से सभी कंपनीज के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, काफ़ी सारे लॉकडाउंस थे, एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली वरुण बेवरेज के रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट था, ठीक है। तो अब जून जो क्वार्टर इस बार का आया, इस बार फर्स्ट ऐसा जून क्वार्टर आया तीन साल में जिसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है, और एक पूरा ओपन इकोनॉमी थी और बहुत अच्छी गर्मी पड़ी इस बार, राइट। तो उसकी वजह से ये बहुत अच्छा रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर दिखा, ठीक है, तो वो पहली बात। अब दूसरा जो मैंने जैसे बताया कि जून क्वार्टर हमेशा ही अच्छा रहता है वरुण बेवरेज का, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इट्स अ सीजनल प्रोडक्ट मेजरली, तो उनका हमेशा 30 से 35% अगर हम प्री कोविड चले जाएं, तो आप अगर उनका जून क्वार्टर का एनालिसिस देखो तो 30 से 35% का रेवेन्यू साल का उनका सिर्फ जून क्वार्टर में आता है, ऑलमोस्ट 35 से 40% तक भी आता है, ठीक है, कि रेवेन्यू उनका और प्रॉफिट उनका जून क्वार्टर में ही आता है, तो उनका जून क्वार्टर ही हमेशा बेस्ट होता है, राइट। तो उसकी वजह से जो है क्यू ऑन क्यू हमेशा ही अच्छा रहता है, तो इस बार अच्छा है ऐसा नहीं है, वो हमेशा ही बेस्ट रहता है। और मार्च क्वार्टर तो ऑब्वियसली सबसे ख़राब है, क्योंकि ठंड होती है जनवरी फरवरी मार्च में, राइट, तो वो मोस्टली उनका ख़राब ही रहता है और जून क्वार्टर सबसे अच्छा हो जाता है। इसीलिए क्यू ऑन क्यू परफॉर्मेंस वरुण बेवरेज की अगर हम प्री कोविड देखें, इसी कोविड के चक्कर में ये सब कन्फ्यूज़न हो गई है,
इनके रिजल्ट्स की, नहीं तो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट इतना अच्छा मतलब ऐसा नहीं आता कि 100% ग्रोथ। अब नेक्स्ट ईयर जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट आएगा वो इतना अच्छा नहीं आएगा कि 100% ग्रोथ मोस्टली नहीं आएगा, अनलेस एंड अनटिल दे डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये इस टाइप के रिजल्ट से जो है ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार क्या अमेजिंग रिजल्ट दिया है, शायद कंपनी आगे भी ऐसा करे, बट ऐसा मोस्टली होता नहीं है। तो वी शुड अंडरस्टैंड द सीजनैलिटी, क्यों इतना अच्छा वाई ऑन क्यू ऑन क्यू रिजल्ट दिया है कंपनी ने। तो जैसे वरुण बेवरेज का एग्जांपल मैंने देखे समझाया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज इस टाइप से काफ़ी आते हैं रिजल्ट्स, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कभी बहुत ख़राब भी हो जाता है कि इतना ख़राब रिजल्ट कैसे आ सकता है किसी कंपनी का, और स्टॉक भी गिर जाता है क्योंकि काफ़ी बार इन्वेस्टर्स जो हैं रिजल्ट्स को देख के बहुत अच्छा सोचते हैं और फिर वो बाय कर लेते हैं, या रिजल्ट्स को देख के ख़राब रिजल्ट आए तो उसको लेकर सेल कर देते हैं। तो यही जून क्वार्टर में अगर आप देखोगे जब रिजल्ट आया तो उसके बाद काफ़ी अच्छा वरुण बेवरेज का स्टॉक बढ़ा भी है। अच्छी कंपनी है, आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी ख़राब है, आई एम जस्ट सेइंग कि वी शुड अंडरस्टैंड कि रिजल्ट जब आते हैं तो वी शुड एनालाइज इट कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे है और ये क्या रिपीट हो सकता है। तो नहीं होगा ये सितंबर क्वार्टर में इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्यू ऑन क्यू तो मोस्टली डाउन होगा राइट वरुण बेवरेज का, अनलेस एंड अनलेस कि कोई एक्विजिशन वगैरह करें तो बात अलग है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ दिखे तो, बट 90% मोस्टली इट विल गो डाउन। तो क्यू ऑन क्यू नेगेटिव रहेगा हमारा सितंबर क्वार्टर में, ठीक है, और वाई ऑन वाई अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो अच्छा हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर भी कोविड का इंपैक्ट तो था सितंबर क्वार्टर में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि क्या ग्रोथ है, इसलिए थोड़ी सी लॉन्गर टर्म ग्रोथ देखिए। क्यू क्वार्टर को हम एक TTM के हिसाब से भी, रिजल्ट्स के हिसाब से भी वैल्यू देख सकते हैं, और लॉन्गर टर्म ग्रोथ देखनी चाहिए कि कंपनी ओवरऑल कैसा ग्रो कर रही है और किस वजह से ग्रो कर रही है। ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इनऑर्गेनिक है, एक्विजिशन बेस्ड ग्रोथ है, या एक्चुअल में कंपनी ने कुछ अच्छा किया है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, नया मैन्युफैक्चरिंग किया है, एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए और वो कितना सस्टेनेबल है राइट, और इस तरह की ग्रोथ आगे भी आ सकती है क्या, फिर उस हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। तो ये दिस आई वांटेड टू ब्रिंग कि हमें मिथ समझने चाहिए कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाई दीज रिजल्ट्स हैव बीन सो अमेजिंग एंड क्या कहते हैं, हम उसका अंदर से समझते नहीं है चीज़ों को, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, लास्ट में अटेंडेंस ज़रूर लगा दीजिए, ठीक है, और इस टाइप का कोई और वीडियो इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव सम टॉपिक इन माइंड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और आपको कोई वरुण बेवरेज पे क्वेश्चन है या इस टाइप की वीडियोज़ पे क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर लिखिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।